मंतरा, उस कौशल्या के कक्ष में राम के विषय में ऐसी क्या प्रशंसा चल रही है? क्या आप जानती हैं मैंने कौशल्या की सखियों से क्या सुना है महारानी? जब से राम ने शब्द भेद विद्या का प्रदर्शन किया है, उसी दिन से महाराज स्वयं कौशल्या के अंतपुर में जाकर रह रहे हैं, किंतु वो आपके अंतपुर में नहीं आए, है ना महारानी? सही कहा, नहीं आए वो। इसका अर्थ तो ये हुआ, महाराज राम की शब्द भेद विद्या से अपार आनंदित हुए हैं। उस आनंद को उन्होंने कौशल्या देवी के सामने अभिव्यक्त किया है। माँ, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ मेरे पुत्र, आपको मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। भरत, कहिए माँ, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तो फिर आपको शब्द भेद विद्या का अभ्यास करना होगा, आपके भ्राता रामचंद्र की तरह। शब्द भेद विद्या को सीख कर क्या मैं भैया को नीचा दिखाऊं? अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें शब्द भेद विद्या का अभ्यास करना ही होगा। माँ की यही इच्छा है तो मैं सीखूंगा। ऐसा ही कीजिए मेरे पुत्र, मेरी इच्छा के लिए आप ये विद्या सीख लीजिए। ठीक है माँ, तो आज ही मैं अभ्यास की तैयारी शुरू कर देता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। देखा तुमने मंत्रा, कह रहा था कि वो अपने भ्राता को नीचा नहीं दिखा सकता है। मेरे पुत्र भरत को इतनी छोटी सी उम्र में ही कितनी समझ आ गई है। ये अच्छे गुण कहीं भरत के भविष्य को अंधकार में ना बदल दे महारानी। विप्रोत्तम जी, पूर्व समय अनुमति के बिना आप राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकते। दरवान जी, मैं महाराज से मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। लोगों का कहना है कि महाराज एक सामान्य मनुष्य को भी मानवता की दृष्टि से देखते हैं। अरे श्रीमान जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है। हमारे महाराज प्रजा की रक्षा करते हैं, किंतु विनती सुनने के लिए उन्होंने एक समय तय किया है और अभी वो समय नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। मुझे तो वो समय और इस समय का पता नहीं है। मेरी पुत्री का विवाह तय हुआ है, मैं महाराज से सहायता की अपेक्षा से आया हूँ और मैं पुनः यहाँ पर आ नहीं पाऊंगा। कृपा करके एक बार मुझे महाराज से मिलने की अनुमति दीजिए। महाराज राजभवन में नहीं है, वो युद्ध के लिए गए हुए हैं। महाराज की अनुपस्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी को भी किसी भी कारण से प्रवेश की अनुमति नहीं है। कृपया करके आप लौट जाएं। अरे रे, ये क्या दुर्भाग्य है, मैं कितना अभागा हूँ। मेरे भाग्य में काम धेनु की भी सहायता नहीं लिखा है। श्रीमान जी, कृपया रुक जाइए। आप अपनी सुपुत्री का विवाह कैसे करेंगे? उसमें भोज, संगीत, नृत्य सब होगा ना? पुत्री, मैं निर्धन हूँ। मैं अपने पुत्री का विवाह बहुत सामान्य रीति से किसी देवालय में करना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए भी मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। ये विवाह मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं श्रीमान जी, आपकी पुत्री का विवाह नहीं रुकना चाहिए। मेरे पास ये जो आभूषण है, ये आपके उपयोग में आएंगे। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। पुत्री सीता, तुम अपने सारे आभूषण मुझ निर्धन को दे रही हो? जी हाँ,
मेरे पास तो और भी आभूषण हैं, किंतु आप पुत्री की विवाह के लिए सहायता की अपेक्षा से यहाँ आए हैं, परंतु आपको इस प्रकार जाते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कृपया करके इन्हें स्वीकार कीजिए। ठीक है पुत्री, राजकुमारी सीता, तुमने मेरे दुख में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। माँ, सीता ने अपने पहने हुए सारे आभूषणों को दान कर दिया है। कहा कि कोई सहायता मांगने यहाँ आया था, और इसीलिए उनके मांगने के अनुसार सीता ने अपने शरीर के सारे आभूषण दान कर दिए। क्या इस तरह किसी को भी अपने आभूषण दान में दे सकते हैं? इस तरह अज्ञात व्यक्ति को देना सही नहीं है। हमारी सीता ने ऐसा क्यों किया? मैं उससे ही पूछती हूँ। सखी, तुम अभी जाओ और सीता को यहाँ बुला कर ले आओ। माँ, क्या आपने मुझसे वार्तालाप करने के लिए बुलावा भिजवाया था? हाँ सीता, सुना है तुमने अपने सारे आभूषण किसी को दान कर दिए हैं। बड़ों से विचार विमर्श किए बिना ऐसा करना सही है क्या? आज राजभवन में पूजा जैसा मंगल कार्य रखा है। आभूषण तो मंगल सूचक होते हैं, और आज ही के दिन वो किसी को देना उचित है क्या? माँ, एक मंगल सूचक वस्तु का उपयोग दूसरे मंगल कार्य के लिए उपयुक्त होगा, इसलिए मैंने उतार दिए। वो श्रीमान जी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए सहायता की अपेक्षा से हमारे राजभवन आए थे, और उनका निराश होकर जाना, ये बात मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगी। उनका निराशादायक चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अपने आभूषण उन्हें दे दिए। माँ, अगर उस समय मैं भी वहाँ होती तो मैं भी अपने सारे आभूषण उन्हें दे देती। हम भी अपने आभूषण दे देते। हाँ हाँ, सत कार्य के लिए सत पात्र को उचित दान देना बुरा नहीं है, किंतु सीता ने अपने सारे आभूषण दान में देने का निर्णय कैसे लिया, इस बात का आश्चर्य हो रहा है। माँ, आपने ही हमें एक बार समझाया था, मानव संरक्षण, प्राण संरक्षण, धर्म का कार्य और देवता कार्य जैसे संदर्भ में हम उस समय उन्हें जो भी दान दे सकते हैं वो हमें दे देना चाहिए। इस प्रकार के दान के लिए विलंब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आभूषण दे दिए। सत्य कहा सीता, तुमने जो दान दिया है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम दान देने में विलंब करते हैं तो हो सकता है उस क्षण के बाद हमारी दान देने की परिस्थिति और मन स्थिति दोनों बदल सकती हैं, अथवा हमारा दिया हुआ दान निरुपयुक्त तो हो सकता है। सीता, तुमने एक मंगल कार्य के लिए दान दिया है। तुम्हारा ये पुण्य कार्य तुम्हें आभूषण के स्वरूप में सहायता करेगा। वो आभूषण तुम्हारे मन को प्रसन्नता प्रदान करें और तुम पर आने वाले संकट दूर हो जाएं। माँ, मेरे प्रति इस प्यार को मैं नमन करती हूँ। ठीक है, चलो अब हम सब मंदिर चलते हैं।